मध्य प्रदेश के धार जिले का वह स्थान जहां पृथ्वी के बनने से लेकर कई कालांतर में हुए विनाश और फिर उत्पत्ति की कहानी को बयां करता है। प्रेंटिसिस काल से पृथ्वी और उसके नीचे क्या कुछ हो रहा था, इसके सबूत यहां बहुत बड़े क्षेत्र में बिखरे पड़े हैं। यह कालांतर में उस समय की कहानी को बयां करता है जब पृथ्वी पर डायनासोर घुमा फिरा करते थे। मध्य प्रदेश के धार जिले में डायनासोर की अलग अलग प्रजातियों की 300 से अधिक अंडे और 30 से अधिक घोंसलों के जीवाश्म यहाँ की जमीनी सतह पर प्राप्त हुए हैं। जहाँ हालात यह है कि यहाँ डायनासोर के अंडों के जीवाश्म यहाँ काम करने वाले किसानों तथा चरवाहों को मिल जाते हैं। और यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ के ग्रामीणों ने डायनासोर के अंडों जो गोलाकार पत्थरों की तरह थे उनकी पूजा अर्चना की परंपरा भी शुरू कर दी थी और यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी यह करते आ रहे थे। और बाद में यह पता चला कि ये गोलाकार पत्थर डायनासोर के अंडे हैं और यहाँ पर डायनासोर के घोंसलों के जीवाश्म भी चारों तरफ बिखरे पड़े हैं। अलग अलग घोंसलों में अंडों की संख्या अलग अलग है। यहाँ पर डायनासोर के विलुप्ति के समय यहाँ पर उनके चहल कदमी के निशान भी देखे जा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ज्वालामुखी का लावा फैल गया और डायनासोर का अस्तित्व खत्म हो गया। इसके साथ ही डायनासोर और अन्य विशालकाय जीव जो 6.5 करोड़ साल पहले मौजूद थे, अब सिर्फ उनके घोंसलों और अंडों के सबूतों को देखा जा सकता है जो वर्तमान समय में जीवाश्म के रूप में संरक्षित किया गया है। अब यहाँ पर भूवैज्ञानिक लगातार अध्ययन और उत्खनन संबंधी कार्य कर रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि इस क्षेत्र को यूनेस्को का इको हेरिटेज का दर्जा प्राप्त हो सके। धार और नर्मदा घाटी की धरोहर को बचाने में लगे अधिकारियों और वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर इस क्षेत्र को यूनेस्को का इको हेरिटेज का दर्जा प्राप्त होता है तो इसे संरक्षित रखने और बचाने में मदद मिल सकती है।